और सबसे पहले एक बड़ी खबर हाथरस मामले से जुड़ी हुई। भोले बाबा से पूछताछ करेगी पुलिस। सूत्रों के हवाले से खबर की रात में गुपचुप तरीके से मैनपुरी आश्रम पहुंचे बाबा साकार विश्वहरि। मैनपुरी के बिछवा हरिनगर में भोले बाबा का आश्रम है और यहां पर बताया जा रहा है कि रात में गुपचुप तरीके से यहां पर पहुंचे थे बाबा, लेकिन उसके बाद मौके से फरार हो गए। अब जब आश्रम पे गए तो आश्रम पर ताला लगा हुआ है, सिक्योरिटी वहां पर टाइट कर दी गई है, छापेमारी वहां पर हुई है। लेकिन बड़ी खबर ये मिल रही है कि गुपचुप तरीके से रात में मैनपुरी आश्रम बाबा पहुंचा था, लेकिन अब कहां है ये किसी को नहीं पता। अब लगातार पुलिस तलाश कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बाबा नारायण साकार हरि, जिसका नाम उसने बाद में बदला जब वो जेल से वापस लौटा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये है कि अब ये कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन कल रात में गुपचुप तरीके से पहुंचा था आश्रम में और अब फरार हो चुका है। ऋषभमणि त्रिपाठी देंगे इस पर ज्यादा जानकारी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभमणि बताइए और क्या खबर मिल रही है? उसके मुताबिक भोले बाबा और जो साकार विश्वहरि हैं सूरजपाल, उनसे भी पुलिस टीम पूछताछ करेगी। जो आपराधिक धाराओं में FIR दर्ज हुई है हाथरस में, लिहाजा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस की एक टीम मैनपुरी के बिछवा हरिनगर, जहां पर ये भोले बाबा का आश्रम है, वहां पर पहुंची थी। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उस आश्रम में भोले बाबा मौजूद थे या नहीं थे। हालांकि सोर्सेज ने ये बात जरूर कही है कि रात को वो इसी आश्रम में आए थे गुपचुप तरीके से, लेकिन अभी उनकी लोकेशन कहाँ है इस बात पर कोई नहीं बता पा रहा है, कुछ नहीं कह पा रहा है। जबकि FIR जो दर्ज की गई है गंभीर धाराएं हैं, उसमें गैर इरादतन हत्या की भी उसमें धारा लगी हुई है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजक सेवादारों को उसमें आरोपी बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उस जांच की आज भोले बाबा तक जाएगी, उनसे भी पूछताछ जरूर होगी उनका क्या उसमें रोल था, उन्होंने क्या किसी को बचाने की कोशिश नहीं की। जो तमाम जूते चप्पल थे वहां पर जो भक्त मौजूद थे उनके जो बगल के खेत में फेंके गए, वो सबूत मिटाने की धारा भी लिहाजा उसमें लगा दी गई है। तो ऐसे तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आने वाले समय में पुलिस को देने होंगे भोले बाबा को। तो अब भोले बाबा से पूछताछ काफी जरूरी हो गई है और पुलिस उस दिशा में काम भी कर रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा ऋषभमणि। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर हादसे का गुनहगार कौन है ये तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि देर रात गुपचुप तरीके से बाबा आश्रम में पहुंचा था और उसके बाद वहां से फरार हो गया है।